हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस भाग में समझेंगे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। अगर दो बिंदु आवेश हों तो आवेश हों, जो बिंदु आवेश हों, बिंदु आवेश उनको कहा जाता है जिनकी विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होती है, लगभग शून्य होती है, तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहा जाता है। अब ये दो बिंदु आवेश है, एक दूसरे से हम मान लें कि वो r दूरी पर है और उन बिंदु आवेशों के परिमाण Q1 और Q2 है, तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इन दोनों बिंदु आवेशों के लिए एक नियम दिया जिसको व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है। ठीक है, तो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, इसके अनुसार ये जो बिंदु आवेश है, अगर दोनों धन आवेश है तो दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, दोनों ऋण आवेश है तो उस स्थिति में दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, लेकिन अगर एक धन है और एक ऋण आवेश है तो दोनों आवेश एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे। अर्थात इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार जो दोनों बिंदु आवेश है उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये Q1 और Q2 दोनों बिंदु आवेशों का परिमाण है और उन दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है। ये नियम का पहला भाग है। और दूसरे भाग में कूलाम ने यह कहा कि उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। अगर इन दोनों भागों को अगर हम मिला दें तो मिलाने पर होगा f समानुपाती Q1 × Q2/r का वर्ग। अर्थात लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहाँ जो समानुपाती का चिन्ह है इसको हटाने के लिए एक नियतांक लगाते हैं। तो अगर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाकर अगर बराबर का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लगेगा और वो नियतांक होगा Q1 × Q2/r का वर्ग। ये है समीकरण एक। इसे हम समीकरण एक दे दें जहां के एक अनुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति, हम जानते हैं मापन की चार पद्धतियां होती है, SI पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति और FPS पद्धति। तो इन चार पद्धतियों पर, मापन की चार पद्धतियों में से जिस भी पद्धति का उपयोग करें उन पद्धतियों पर निर्भर करता है, और दूसरा इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में क्या उपस्थित है। अगर हम बात करें SI पद्धति में, SI पद्धति में वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात, अगर इन बिंदु आवेशों के बीच में या तो वायु हो या फिर निर्वात हो, निर्वात अर्थात इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में पूर्णतः वायु को निकाल दिया जाए अर्थात निर्वात कर लिया जाए, तो SI पद्धति में वायु या निर्वात में इस K का मान होता है 1/4πε₀, 1/4πε₀, जहां ε₀ जो है ये वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। क्या है ये? ε₀ वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है जिसका मान होता है 8.854 × 10^-12। अब अगर ये मान, और पाई का मान होता है 22/7, ये मान अगर यहां पर इनपुट किया जाए और इसको हल करें तो इसका मान होता है 9×10^9, 9×10^9। अर्थात इस स्मॉल के समानुपातिक नियतांक का मान SI पद्धति में वायु या निर्वात में दो मान होते हैं, 1/4πε₀ भी रख सकते हैं और उसके स्थान पर 9×10^9 भी रखा जा सकता है। अब ये मान अगर हम इस समीकरण एक में रखें, k के स्थान पर अगर हम ये रखते हैं तो k के स्थान पर 1/4πε₀ Q1 × Q2/r का वर्ग, एक बल है और बल का मात्रक होता है बल का मात्रक होता है न्यूटन। ओके, तो यहां पर ये जो एक बल के लिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान आया या व्यंजक आया, ये SI पद्धति में वायु या निर्वात में। अगर हम इसके 1/4πε₀ के स्थान पर उसका मान 9×10^9 रखें तो F बराबर हो जाएगा 9×10^9 × Q1 × Q2/r का वर्ग न्यूटन। तो ये SI पद्धति में कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के दो व्यंजक होंगे, जहां हम देख रहे हैं ε₀ वायु या निर्वात के निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अगर हम इसके स्थान पर दोनों बिंदु आवेशों के बीच में वायु या निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम हो, जैसे मोम रख दिया जाए या तेल रख दिया जाए या
पानी रख दिया जाए अर्थात कोई भी अन्य माध्यम हो वायु निर्वात को छोड़कर, तो उस स्थिति में इस स्मॉल के का मान होता है 1/4πε₀ × Kके, जहां के है जो माध्यम है दोनों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि ये परावैद्युतांक क्या होता है। तो एसआई पद्धति में जब दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो तो माध्यम में इसके एक मान होता है 1/4πε₀ के। अगर ये मान हम यहाँ इनपुट करें तो एफ बराबर होगा, हम इस के स्थान पर समीकरण एक में के स्थान पर रखेंगे 1/4πε₀ K Q1 × Q2 r² न्यूटन। तो ये जो कूलाम के विक्रम वर्ग नियम का तीसरा व्यंजक आया ये है तब जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो। ठीक है, ये हमने एक पद्धति दी एसआई पद्धति। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी पद्धति ले सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात में इस के का मान होता है एक, के का मान होता है एक, मतलब इस के स्थान पर एक रखेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा के स्थान पर एक रखने पर 1 × Q1 × Q2 r² या एफ बराबर Q1 × Q2 r² चूंकि ये सीजीएस पद्धति है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, इसलिए हम लिखेंगे डाइन। तो ये हम देख रहे हैं कि कूलाम के विक्रम वर्ग नियम की चार व्यंजक आए एफ बराबर 1/4πε₀ × Q1 × Q2 r² न्यूटन। दूसरा व्यंजक है एफ बराबर 9 × 10⁻⁵ Q1 × Q2 r² न्यूटन। तीसरा व्यंजक है एफ बराबर 1/4πε₀ × Q1 × Q2 r² न्यूटन। ठीक है, ये सभी एसआई पद्धति में है और सीजीएस पद्धति में होगा एफ बराबर Q1 × Q2 r² डाइन। ये है कूलाम का विक्रम वर्ग नियम। तो कूलाम के विक्रम वर्ग नियम से किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, कोई भी दो बिंदु आवेश है तो कूलाम के विक्रम वर्ग नियम से किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें।